बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। ओके स्टूडेंट, आज आपकी उर्दू की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सैयदा सादिक। ओके, आज हम नया लेसन रीड करेंगे। इससे पहले जो आपको वर्क करवाया गया था, सबका वर्क कम्प्लीट हो गया है? जी गुड, बहुत अच्छा वर्क करना है आप लोगों को। नीट एंड क्लीन राइटिंग में और रीडिंग डिक्टेशन हो रहा है सबका? ठीक है, चलें ओपन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 81। ठीक है, आज हमारा ये नया लेसन है मौसम। इससे पहले हम लोगों ने रीड किया था स्कूल तज़म, स्कूल की किताबें, और इसका वर्क भी सबका हो चुका है। मैंने वाहिद जमा भी कराई थी इसमें आपको, और जुमले बनवाए थे कॉपी में। सबका वर्क कंप्लीट है? जी, तो आज हम नया लेसन रीड करेंगे। सबक का नाम है मौसम। मौसम क्या होता है आपको पता है? कितने मौसम होते हैं साल में पता है ना सबको? चार मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार, है ना? चलें आज हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे, तो कि गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, ठीक है, खिज़ा में क्या होता है। चलिए बुक पेज नंबर 81 पे सबक है मौसम। सबसे पहले गर्मी। गर्मी के मौसम में सूरज की तेज़ धूप निकलती है, फसलें पकती हैं, दिन बड़ा और रात छोटी होती है, लोग शौक से ठंडे शरबत, लस्सी पीते हैं, आइसक्रीम और कुल्फी भी खाते हैं। गर्मी के दो महीने बरसात के भी होते हैं, बरसात में बारिशें होती हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? गर्मी के मौसम में क्या होता है? बहुत तेज़ धूप होती है। तेज़ धूप क्यों होती है? तेज़ धूप की वजह से क्या होता है, फसलें पकती हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, आट, दालें, गेहूं, ये सब पकते हैं, ठीक है, और दिन बड़ा और रात छोटी होती है इसमें, और लोग जो है वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, शरबत पीते हैं, ठंडा पानी भी, देखें हमें चाहिए होता है ना, ठंडा ठंडा पानी चाहिए होता है, लस्सी, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठीक है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है, जिसमें बहुत मज़ा आता है ना, बारिशें होती हैं, ठीक है। अब गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? हाँ, तो देखा था ना आप लोगों ने, दो महीने कौन से होते हैं? जून जुलाई में बारिश होती है, बहुत तेज़ मानसून का मौसम होता है, है ना? आपकी कितनी बारिशें हुई थी, तो इसी तरह दो महीने वो बारिश का मौसम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है खिज़ा। खिज़ा किसे कहते हैं? खिज़ा में देखा होगा आप लोगों ने, हर तरफ दरख्त अगर आपके घर में हो तो खूब पत्ते झड़ते रहते हैं, तो वो कौन सा मौसम होता है? वह खिज़ा का मौसम होता है, ठीक है। गर्मी के मौसम के बाद खिज़ा आती है, दरख्तों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, जानवर सर्दी के मौसम के लिए खाना जमा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या है? गर्मी के मौसम के बाद जो मौसम आता है उसे हम खिज़ा कहते हैं। उसमें क्या होता है, सारे पत्ते जो है वो पुराने हो जाते हैं और वो सूखकर झड़ने लग जाते हैं, यानी पीले हो जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं, और जानवर जो है वो उसी मौसम में अपने लिए खाना जमा करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जब सर्दी आती है ना, जानवर ज़्यादा नज़र नहीं आते, वो अपने अंदर बैठे रहते हैं, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा जमा करना शुरू कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्क करवाऊँगी। यहीं तक पेज नंबर 81 अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, इसका डिक्टेशन भी कीजिएगा घर में, ठीक है क्लास। तो आइए आज हम इसका वर्क भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर।